सुप्रभात बच्चों, मैं आपके हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। आइए धनुष भंग के कुछ पंक्तियों की व्याख्या जिनकी बाकी थी उसे हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेषी। प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा ही मनोहारी अंकन किया है उस समय का, जब श्री राम सीता जी की तरफ देखते हैं और उनकी व्याकुलता को समझ जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में सभा की स्थिति और साथ ही सीता जी की भी स्थिति का वर्णन हुआ है। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, बिलोके अर्थात देखना, राम ने सबको चित्र लिखा हुआ सा देखा। चित्र लिखा हुआ से तात्पर्य यह है कि जड़वत होना, मूर्तिवत होना, सब मूर्तिवत खड़े थे, श्री राम की तरफ ही सबकी दृष्टि थी कि अब आगे क्या होगा, धनुष टूटेगा या नहीं, तो सब चित्रवत मूर्तिवत खड़े थे। तो यही यहाँ पर है कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, राम ने सबको चित्र लिखा हुआ, चित्र जैसा लिखा हुआ देखा, या चित्र में लिखा हुआ जैसा देखा, या मूर्तिवत देखा, जड़वत देखा। चितई सी कृपा नितन जानी विकल विशेषी। इसके पश्चात श्री राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, कृपायतन कृपा के भंडार, कृपा निधान श्री राम जी, सी सीता जी चितई देखा। इसके पश्चात श्री राम जी ने कृपा के निधान दया सिंधु प्रभु श्री राम ने सीता जी की तरफ देखा, जानी विकल विशेषी, और सभा में उपस्थित सभी लोगों से अत्यधिक व्याकुल उन्होंने सीता जी को देखा। सी जानी विकल विशेषी, उन्हें अत्यधिक या विशेष व्याकुल जाना। सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे उन सब में सबसे अधिक बेचैन व्याकुल यदि कोई था तो वो सीता जी थी। और राम ये समझ गए सीता की मनोस्थिति का, उनकी भावनाओं को श्री राम जी समझ गए, उससे अवगत हो गए। यही यहाँ पर है कि राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, श्री राम ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को चित्र में लिखा हुआ सा देखा, अर्थात मूर्तिवत देखा। और इसके बाद कृपा निधान दया सिंधु प्रभु श्री राम ने सीता जी की तरफ देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदे ही निमिष बिहात कलप समते ही। राम और सीता के प्रति जो प्रेम था उसकी सार्थकता का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही अर्थात सीता जी, प्रभु श्री राम ने सीता जी को अत्यंत ही व्याकुल बेचैन देखा। निमिष बिहात कलप समते ही, निमिष क्षण, उनका एक एक क्षण बिहात अर्थात व्यतीत हो रहा था, कल्प समते ही कल्प के समान, उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कलप समते ही, श्री राम जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा और सीता जी का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बार बिन जो जन जो तनु त्यागा, मुहे करई का सुधा तड़ागा। श्री राम जी ने सीता जी की स्थिति को देखकर विचार किया कि त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, त्रिसित प्यास से, त्रिसित मतलब प्यासा, वारी पानी, तनु शरीर, त्यागा आप जानते ही हैं, त्रिसित वार बिन जो तनु त्यागा, प्यास से व्याकुल होकर यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मुए करई का सुधा तड़ागा, सुधा अमृत, तड़ागा तालाब, तो उसकी मृत्यु के पश्चात अमृत का तालाब भला क्या करेगा। त्रिसित वार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। यदि प्यास से व्याकुल होकर कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसके मरने के पश्चात अमृत का तालाब क्या करेगा। अगर उसके पश्चात हम अमृत का तालाब बनवा दे तो फिर वो व्यक्ति तो चला गया, वापस तो आने वाला नहीं है, फिर उसके पश्चात पानी नहीं, अमृत का तालाब का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हर काम समय पर ही सुशोभित होता है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। उस वर्षा से क्या फायदा क्या लाभ, जब कृषि ही नष्ट हो जाए, जब फसल ही सूख जाए,
तो वर्षा का क्या लाभ, समय चौकी पुनी का पछताने, और समय व्यतीत हो जाने से पछताने से पछताना व्यर्थ है। समय चौकी पुनी का पछताने, अगर समय व्यतीत हो गया तो फिर पछताने का क्या लाभ, पछताना तो व्यर्थ ही है क्योंकि समय चला गया तो आप उस कार्य को सही नहीं कर सकते हैं, दोबारा समय तो वापस लौट के आना नहीं है, इसलिए हर काम को उचित समय पर ही करना चाहिए क्योंकि समय ही सबसे मूल्यवान होता है। अगर समय चला गया तो फिर वो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। तो वही यहाँ पर है कि जब आप देखो, जब बारिश होती है तो फसल लहलहाती है, अगर फसल सूख जाए तो बारिश होगी तो क्या वो फसल फिर से लहलहाएगी, क्या उसमें फिर से हरियाली आएगी, क्या उसमें फिर से बलियां लगेंगी, नहीं लगेंगी। इसलिए समय रहते ही वर्षा का होना आवश्यक है। समय बीत जाने के पश्चात उस वर्षा से कोई लेना देना नहीं रह जाता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनी का पछताने, असजीय जान जानकी देखी। ऐसा हृदय में विचार कर श्री राम जी ने सीता जी की तरफ देखा, प्रभु पुलके लख प्रीति विशेषी। और सीता जी का प्रेम अपने प्रति इस अगाध प्रेम को देखकर प्रभु विशेष लख प्रीति विशेषी, सीता जी के विशेष प्रेम को, अगाध प्रेम को देखकर श्री राम जी पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, प्रसन्न हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघो उठाए धनु लीना, धनु अर्थात धनुष, लाघो स्फूर्ति से, और उन्होंने अत्यंत ही स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिनी जब लयो, और उन्होंने जब धनुष को हाथ में लिया तो दमक्यो, दमक्यो चमकना, दामिनी बिजली, तो वो बिजली की तरह चमका। जब श्री राम जी ने धनुष को हाथ में लिया तो वो बिजली की तरह चमका। पुनि नभ धनु मंडल सब भयो, नभ आकाश, फिर वह धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। जब श्री राम ने उस धनुष को हाथ में लिया तो वो बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, उस धनुष को लेते उठा, उस धनुष को उठाते, चढ़ावत उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते, खेचत गाड़े और उसको खींचते हुए, काहू न लखा किसी ने भी नहीं देखा, देख सब ठाड़े, सबने उनको धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा पाया। अर्थात उन्होंने इतनी शीघ्रता, इतनी स्फूर्ति से तीनों काम किए, धनुष उठा भी लिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा लिया और उसको खींच भी लिया, किसी ने नहीं देखा, बहुत ही शीघ्रता से, अत्यंत ही स्फूर्ति से, बहुत ही जल्दी उन्होंने इस कार्य को किया। सबने श्री राम को केवल धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा पाया, खड़ा देखा। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, धुनि अर्थात ध्वनि, भरे भुवन और तीनों जो लोक हैं, त्रैलोक्य, उस कठोर ध्वनि से भर गए। अर्थात तीनों लोकों में वो कठोर ध्वनि, जो धनुष के टूटने से हुई थी ध्वनि, वो ध्वनि तीनों लोकों में, त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। भरे भुवन घोर कठोर रव, रविबाज तजी मारग चले, भरे भुवन घोर कठोर रव, रव अर्थात ध्वनि, रवि सूर्य, बाजी घोड़ा, तजी त्याग कर, तो भरे भुवन घोर, भुवन अर्थात लोक संसार, उस धनुष टूटने की कठोर ध्वनि पूरे संसार में व्याप्त हो गई, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। रवि बाजी तजी मारग चले, और सूर्य के घोड़े, बाजी घोड़ा रवि सूर्य, और सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे, जिधर उन्हें जाना नहीं था वो उधर जाने लगे, क्योंकि वो कठोर ध्वनि उनके भी कानों में पड़ी और वो भी बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, और जो मार्ग उनके लिए निर्धारित था उस मार्ग से ना जाकर वो दूसरे मार्ग से चलने लगे। चिक्कर ही दिग्गज, दिशाओं की रक्षा करने वाले आठ दिग्गज, दिशाएं आठ होती हैं और उन आठ दिशाओं में आठ दिग्गज होते हैं जो उन आठ दिशाओं की रखवाली करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसे ही धनुष टूटा और उसकी कठोर ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हुई तो चिक्कर ही दिग्गज, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, आठों दिशाओं में व्याप्त दिग्गज चिंघाड़ने लगे,
अर्थात आठों दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी। डोल मही, मही पृथ्वी, पृथ्वी डोलने लगी, कंपायमान हो गई। अही शेष कोल वाराह कुरूप कक्षप, शेष वाराह कक्षप भी बेचैन हो उठे, व्याकुल हो उठे। सुर असुर, सुर देवता, असुर राक्षस, देवता और राक्षस मुनि कर कान दीने, कर हाथ को, हाथ को अपने कानों से लगा लिया। सकल विकल विचार रही और सब व्याकुल होकर विचारने लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये किस कैसी ध्वनि है, ये कहाँ से आई। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उच्चार रही, और जब उन्हें ये समझ में आया कि श्री राम ने कोदंड अर्थात धनुष को खंडे तोड़ दिया है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, तो जयति जय वचन उच्चार रही, तो सब श्री राम की जय जयकार बोलने लगे। आइए एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। राम विलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, राम ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को चित्र में लिखा हुआ सा देखा, अर्थात मूर्तिवत देखा। चितई सी कृपा निधान, कृपा यतन, उसके पश्चात कृपा के निधान दया सिंधु प्रभु श्री राम ने सीता जी की तरफ देखा। जानी विकल विशेषी और उन्हें विशेष व्याकुल जाना, अर्थात सभा में उपस्थित सभी लोगों से अधिक व्याकुल उन्होंने सीता जी को जाना। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्प समते ही, उन्होंने सीता जी को अत्यंत ही व्याकुल देखा और उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित वार, राम ने सीता जी की स्थिति को देखकर मन में विचार किया कि त्रिसित वार बिन ज्योत अनुत्यागा, यदि प्यास से व्याकुल होकर कोई प्राण त्याग दे, मृत्यु को प्राप्त कर ले, तो मोह करह का सुधा दड़ागा, उसके मरने के पश्चात अमृत का तालाब क्या करेगा, उसका क्या औचित्य। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चौकी पुनी का पछताने, यदि फसल नष्ट ही हो जाए, कृषि सूख ही जाए, तो उसके पश्चात वर्षा का क्या लाभ, समय चूकी पुनी का पछताने, और समय व्यतीत हो जाने पर पछताना व्यर्थ है। ऐसे जी जान जान की देखी, ऐसा हृदय में विचार कर श्री राम ने सीता जी की तरफ देखा। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, और सीता जी का अगाध प्रेम अपने प्रति देखकर वो पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, उन्होंने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघो उठाई धनु लेना, और बहुत ही स्फूर्ति के साथ बहुत तेजी से शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। दम के उदामिनी जब ले हु, और उन्होंने जब धनुष को हाथ में लिया तो वो बिजली की तरह चमका। पुनि नव धनु मंडल संभेऊ, और आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, उस धनुष को लेत उठाते, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते और खींचते किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम, धनुष को उठाया, धनुष को उठाना, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाना, उसे खींचना, ये तीनों काम इतनी शीघ्रता से किए किसी ने नहीं देखा। सबने उनको देखा, देखो सब ठाड़े, सबने उनको धनुष हाथ में लिए हुए खड़ा हुआ देखा। तेषन राम मध्य धन तोड़ा, उसी क्षण श्री राम ने बीच से धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनिघोर कठोरा, और तीनों लोकों में उस धनुष टूटने की कठोर ध्वनि व्याप्त हो गई। आगे देखिए, भरे भुवन घोर, यहाँ पे धनुष टूटने के बाद जो स्थिति है उसका अलंकारिक वर्णन या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि भरे भुवन घोर कठोर रो रवि बाजित जिमारक चले। धनुष टूटने के पश्चात तीनों लोकों में उसकी कठोर ध्वनि व्याप्त हो गई और सूर्य के घोड़े भी अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे। चिक्कर ही दिग्गज, आठों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले दिग्गज अर्थात हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। अही शेष कोलवारा कुरुम कक्षप भी कलमले अर्थात बेचैन हो गए, व्यथित हो उठे। सुर देवता और देवता राक्षस और मुनि अपने कान पर अपने हाथों को रखकर विचार करने लगे कि ये क्या हुआ, ये कैसी ध्वनि है, कहाँ से आ रही है। और जब सबको ये विश्वास हो गया या ये समझ में आया कि कोदंड खंडे राम, कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, तो जयति वचन उच्चारी वो सभी राम की जय जयकार करने लगे, राम के जयकारे लगाने लगे। आइए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा की बात करें तो अवधि है, हमने आपको पहले बताया है। रस की बात करें तो रस इसमें शांत भी है, श्रृंगार भी है, अद्भुत भी है। छंद की बात करें तो ऊपर की दो पंक्तियां दोहा छंद में है, अंतिम पंक्तियां, अंतिम चार पंक्तियां सवैया छंद में है, बाकी चौपाई में है। शुरू की दो पंक्ति दोहा है, अंतिम चार पंक्ति सवैया है,
बाकी की पंक्तियां चौपाई छंद में हैं। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास भी है, उपमा भी है। उपमा कैसे है, आप देखो जहाँ पे सासी से आता है वहां पे उपमा होता है, यहाँ पे लोग उनको चित्र जैसे चित्र में लिखा हुआ दिखाई पड़ता है वैसे राम को लोग दिखाई पड़े, जिसके कारण यहाँ पे उपमा अलंकार है। शब्द शक्ति की बात करें तो अविधा भी है और लक्षणा भी है, और गुण की बात करें तो इसमें प्रसाद भी है और माधुर्य भी है। धन्यवाद।